हे गाइस, वेलकम बैक टू माय धुंध वाली मॉर्निंग। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, अभी बज रहे थे सुबह के 6 और आज मौसम थोड़ा साफ था। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं दिखाती हूँ आपको आसपास का बहुत ही प्यारा धुंध वाला मौसम, क्योंकि गाइस अब आने वाली है थोड़े टाइम में ठंड, तो यहाँ पे धुंध पड़ना स्टार्ट हो गई है। वैसे भी जो बारिश होनी थी वो रात को हो चुकी थी, इसलिए मौसम साफ था। नहीं तो क्या होता है ना, अगर बारिश होने वाली होती है तो सुबह सुबह में मौसम काफ़ी अंधेरा सा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा मैं लेट छत पर जाऊँ ताकि मैं आपको दिख तो सकूँ एटलीस्ट। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया चारों तरफ का बहुत ही प्यारा सुहावना मौसम, और फिर मेरी प्यारी सी हाय आपको। और आज मैं करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज। रोज़ ही मैं आपको ऐसा बोलती हूँ, और रोज़ की एक्सरसाइज ही मेरी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं गाइज, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मेरे साथ अपना वर्कआउट करके, कईयों ने 5 किलो कम कर लिया है, कईयों ने 10 किलो कम कर लिया है, कई कई तो बोलते हैं कि मेरा पेट तो बिल्कुल फ्लैट हो गया गाइज। तो मेरी एक्सरसाइज जो होती है ना, एक तो वो ईजी होती हैं, सिंपल होती हैं, और वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ जो है कुछ टिप्स भी देती हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो भी मेरा एक काम होता है। सब चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ, और एक्सरसाइज कौन सी करनी है वो तो मैं आपको रोज़ बताती हूँ गाइज। तो गाइज, यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपनी बॉडी को वार्म अप। आप भी इस तरह से थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करें, फिर लग जाएं अपनी एक्सरसाइज करने। वैसे भी जब भी मैं फर्स्ट वाली एक्सरसाइज करती हूँ ना, वो सिंपल सी करती हूँ, ताकि इससे हमारी बॉडी भी वार्म अप हो जाए और वेट भी कम हो जाए। तो ये है मेरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो करेगी हमारा फुल बॉडी फैट लॉस। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की मूवमेंट आपको करनी है। ये बिगनर भी कर सकते हैं, जिनका बहुत ही हैवी वेट है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और जो एज ग्रुप वाले हैं परेशान हो गए हैं मोटापे से, वो इस तरह की सिंपल एक्सरसाइज करके अपना वज़न बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़फुल एक्सरसाइज होती है मेरी, और ये इतना मेरे को बार बार बोलने की आदत है, मुझे लगता है कभी कभी ना एक दिन तो आप मुझे सुना ही दोगे कि मैडम क्या बार बार इफ़ेक्टिव बोलती रहती हो। पर गाइस, जो एक्सरसाइज वाकई में बहुत ज़्यादा असर करती हैं वही मैं आपको बताती हूँ कि भाई, जब मेरा बहुत ही हैवी वेट था तो मैं भी कहाँ यार झुक सकती थी, रन कर सकती थी, जंप कर सकती थी। मैंने भी इन्हीं एक्सरसाइज को कर कर के ही अपना वज़न 15 किलो घर पे कम किया है। जी हाँ दोस्तों, अच्छा, ये मान लो जिनका बहुत ही हैवी वेट है, अगर आप उनको कहोगे कि एकदम से दौड़ना स्टार्ट कर दो, एकदम से तुम कूदना स्टार्ट कर दो और झुक जाओ, पूरे झुक जाओ, तो ये तो बात नहीं बनी ना, क्योंकि उनकी बॉडी पहले इतनी हैवी है, वो तो इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो शुरू शुरू में ना उनको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा रन, जंप, कूदेंगे, झुकेंगे तभी हमारा वेट कम होगा। इस तरह की एक्सरसाइज भी मोस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत तेज़ी से हमारा वज़न कम कर देती हैं गाइस। आप, मैं अगर फास्ट फास्ट कर रही हूँ ना, तो मुझे जो है आधे घंटे का वीडियो आपको जो है 10-12 मिनट में दिखाना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट कर देती हूँ। आप जो है स्लो स्लो करके भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने इस एक्सरसाइज के कर लिए कम से कम 100 तक सेट, ठीक है। आपने भी 100 तक करने हैं, अगर आप 100 से ऊपर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि गाइस, जब मेरा बहुत ही हैवी वेट था ना, मुझे पता तो होता था कि मैंने इस एक्सरसाइज के 100 सेट करने हैं, तो मैं क्या करती थी, 100 में 30-30 के सेट लेके मैंने चढ़ना, कभी 20 करना थक जाना, फिर मैंने 20 करना थक जाना, फिर इस तरह से मैं 100 कंप्लीट करती थी। फिर जब मुझे लगता था मैं और कर सकती हूँ, तो मैं 150 भी कर लेती थी, 200 भी कर लेती थी। वही ना जुनून वाली बात होती थी कि मुझे जुनून आ गया था कि मुझे अपना वज़न घटाना है तो घटाना है। तो गाइस, जो जो एक्सरसाइज मैं डेली बेसिस पे करती थी वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक्सरसाइज हैं, फुल बॉडी फैट लॉस करेंगी। ये है मेरी सेकेंड वाली एक्सरसाइज। कुछ नहीं है, पैरों को टच करना है आपको, जितना भी आपका साइड का फैट है, पीठ का फैट है, सारा बर्न कर देगी ये वाली एक्सरसाइज। तो गाइस, थोड़ा सा कष्ट देना है अपनी बॉडी को, ज्यादा कष्ट नहीं देना है, फुल बॉडी फैट लॉस हो जाएगा। बस एक तो आपने ध्यान में रखना है कि भाई, अगर हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सरसाइज रोज करो। सेकंड थिंग,
सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना है। मैदा शुगर बिल्कुल नहीं लेना है आपको। घर के बने हुए दाल चावल खा सकते हो, सब्जियां सीजनेबल फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, चुकंदर का जूस पियो। मैं भी चुकंदर का बहुत जूस पीती हूँ। चुकंदर का जूस पी सकते हो, चुकंदर काटा थोड़ा सा पानी उसमें मिलाया, छान के पी लिया, बहुत ही हेल्दी जूस होता है। और ये इतना हेल्दी होता है ना कि इसको पीने के बाद आपको काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती। आप इसमें सेब भी ऐड कर सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, पर मैं इसमें ज़्यादातर गाजर ऐड करती हूँ या सेब ऐड करती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। 11-12 बजे जब नाश्ता करते हो आप, 8-9 बजे, और 11-12 बजे, 11 बजे के करीब आप जो है इस तरह का जूस ले लो। जो आंवला डालना चाहें वो आंवला भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल जूस होता है ये, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। क्योंकि जब हमारा पेट भरा रहेगा काफ़ी देर तक, तो हमें भूख भी नहीं लगेगी, हम कुछ अंट संट भी नहीं खाएंगे, है ना। तो इस तरह का जूस भी आप ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है वो भी दूर हो जाती है, और मोटापा भी पनपने नहीं देता ये वाला जूस। तो आप इस तरह की डाइट ले सकते हैं। डिनर आपको जल्दी करना है, डिनर में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो तला हुआ हो, भुना हुआ हो और मैदे वाला हो। डिनर में आपने दाल चावल ले सकते हो थोड़े से, और रोटी फुल्का रोटी सब्जी भी खा सकते हो, पर आपको वो खाना है 7 बजे से पहले पहले, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। अगर आप डिनर स्किप करना चाहो तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है कि भी कर दो, मगर मैं ये नहीं बोल रही कि आप डाइटिंग करो, 2 टाइम का खाना खाओ और डिनर छोड़ दो। नहीं नहीं, तीनों चारों टाइम का खाना खाओ। 9 बजे भी खाना खाओ, 11-12 बजे जो आप खाना चाहते हो चीला वगैरह फ्रूट्स वगैरह वो खा लो, 1-2 बजे अपना लंच कर लो, और शाम का नाश्ता जब आप करते हो 3-4 बजे या 4-5 बजे वो कर लो, फिर आपको उसके बाद कुछ नहीं खाना। तो तीनों टाइम का खाना आपका हो गया ना, 5 बजे से पहले पहले खा लिया आपने जो खाना था, 5 बजे चाहे आप कोई दाल चावल ही बना के खा लो, जो भी आपकी इच्छा हो आप बना के खा सकते हैं, पर वो घर का खाना होना चाहिए। खिचड़ी चीला वगैरह, मूंग दाल का चीला, स्प्राउट्स वगैरह, जो भी आपको हेल्दी लगता है वो आप खा सकते हैं। तो इसमें कोई भी डाइट नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि भाई आप स्किप करना चाहते हो कर दो, मतलब 5-5:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाना आपको। अगर नहीं रह सकते तो 6:30 बजे लास्ट है, इसके बाद कुछ मत खाओ। आज दिक्कत होगी, कल प्रॉब्लम होगी, परसों प्रॉब्लम होगी, है ना। लगेगा आपको भूख लग रही है, एक भर के गिलास पानी का पी लो, फिर आपको कोई भूख नहीं लगेगी, और धीरे धीरे आपकी बॉडी को आपको आदत हो जाएगी। और रात का खाना जब आप छोड़ दोगे ना, या बहुत जल्दी करने की कोशिश करोगे, तो आप ना इतने मैजिकल रिजल्ट देखोगे, आप बहुत हेल्दी रहोगे और वेट भी आपका बहुत जल्दी से कम हो जाएगा। और एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं है कि खाना छोड़ दिया और एक्सरसाइज छोड़ दी, नहीं नहीं एक्सरसाइज साथ में करोगे, डिनर जल्दी करोगे, स्किप करोगे, तो बहुत जल्दी आपको बहुत तेज़ी से रिजल्ट आएंगे गाइज। तो गाइज साथ साथ में आप मेरी एक्सरसाइज भी देख रहे हो, मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, सारी एक्सरसाइज के मैंने 100-100 सेट किए हैं, आपने भी 100-100 करने हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं, बहुत तेज़ी से हमारा ये वजन कम कर देती हैं, जितना भी आपका पेट का फैट होता है, साइड के टायर होते हैं, बॉडी को शेप में ला देती है, सारा बर्न कर देती हैं। तो गाइज़ जो जो मैं खाती हूँ ना, वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कुछ कोई महंगी डाइट नहीं लेती, घर का सिंपल सादा भोजन मुझे बहुत पसंद है, वही आपको करना है। फ्रूट भी ज़्यादा महंगे खाने की ज़रूरत नहीं है, एप्पल ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो जो है चुकंदर का जूस पी लिया करो रोज़, काफ़ी हो जाएगा गाइज़। तो गाइज़ ये है मेरी लास्ट वाली एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स। अगर आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो तो ज़रूर करना, जो नहीं जंपिंग जैक्स कर सकते हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि वो क्या करें। आप जो हैं दीवार का सहारा लेके या ग्रिल का सहारा लेके भी जंपिंग कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है, ज़्यादा तेज़ ना कर सको, धीरे धीरे करो। अगर लगातार 50 सेट नहीं कर पा रहे हो, 10 या 20 करो, इस तरह से 100 कंप्लीट कर लो, ठीक है गाइज, धीरे धीरे भी कर सकते हो। तो इससे आपका बहुत जल्दी से, सारी ही एक्सरसाइज से बहुत तेज़ी से आपका फुल बॉडी फैट लॉस हो जाएगा, आपको 5-6 दिन के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, अगर ये सारी डाइट आप अपनाते हो और एक्सरसाइज रोज करते हो। तो गाइज़ आप मेरे को ज़रूर बताना मेरा आज का वर्कआउट आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और नए हो तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो लेके मैं रोज़ आ जाती हूँ। बाय गाइज़।